नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोका द एग्जाम गुरु पर। तो मेरे प्यारे साथियों, अनुपात समानुपात टॉपिक का आज लास्ट पार्ट है, यानी कि आज हम अनुपात समानुपात टॉपिक पूरी तरीके से फिनिश करने वाले हैं। तो सभी साथी जल्दी से हमारे साथ लाइव जुड़िएगा, फिर हम आज की शानदार, ज़बरदस्त और जिंदाबाद क्लास को स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि आप सभी महारथी जानते हैं, कल क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 तक डिस्कस कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 55 से डिस्कस करेंगे और आज की क्लास में टाइप नंबर 4 और टाइप नंबर 5 के सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सभी साथी जल्दी से जुड़िएगा और ज़बरदस्त क्लास होगी। तो आज की क्लास में टाइप नंबर 4 इम्पॉर्टेंट टाइप है, टाइप नंबर 5 थोड़ा सा एडवांस लेवल के सवाल, यानी हम कह सकते हैं कुछ सिक्के वाले सवाल भी कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपके नहीं पूछे गए लेकिन संभावना है पूछे जाने की। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, बिना देर के स्टार्ट करेंगे क्लास। क्वेश्चन नंबर 55 आप लोग देख पा रहे होंगे। दो संख्याओं का अनुपात क्रमशः 4:5 है, प्रत्येक संख्या में 25 घटाने पर अनुपात 3:4 हो जाता है। प्रत्येक संख्या से 25 घटाने पर अनुपात कितना हो जाता है? 3:4 हो जाता है। आपसे दूसरी संख्या पूछी गई है, बेहद आसान सवाल, पहले समझ लेते हैं बेसिक। सवाल को समझने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे साथियों। दो संख्याएं हैं जिनमें रेशियो है 4:5, ठीक है, और आपसे बोला गया है कि प्रत्येक संख्या से हमने 25 घटाया तो अनुपात कितना हो गया? 3:4 हो जाता है। तो आपसे क्या पूछा गया है? तो आपसे पूछा गया है कौन सी छोटी संख्या, दूसरी संख्या, सॉरी छोटी नहीं, दूसरी संख्या आपसे पूछी गई है। सबको सवाल समझ में आ रहा है कि सवाल है क्या? यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, किसी भी साथी को, यहाँ तक किसी भी साथी को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए मेरे प्यारे साथ, सबसे पहले देखते हैं बेसिक क्या होगा। तो मान लीजिए एक संख्या हमने मान ली 4x और दूसरी संख्या हमने मान ली 5x, ठीक है। दोनों से कितना कितना घटाया गया? दोनों से 25-25 घटाया गया, मतलब पहली संख्या से भी 25 घटाया गया और दूसरी संख्या से भी 25 घटाया गया, जिसके बाद अनुपात कितना हो जाता है? 3:4 हो जाता है, यानी कि 3/4 हो जाता है। तो यानी कि यहाँ पर भी अपॉन का साइन लगेगा और ये किसके इक्वल होगा? 3/4 के। बात यहाँ तक सबको समझ में अच्छे से आ रही होगी। अब मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। 4 4 चौक कितना होगा? 16x और माइनस 25 चौक कितना होगा? 100 बराबर 5x की गुणा 3 से होगी 15x और माइनस 25 किया कितना? 75। ये इस तरह से बनेगा। अच्छा, 16x तो यहाँ पर है ही, 15x ये इधर लाओगे तो 16x माइनस कितना? 15x बराबर कितना होगा? देखिए ये जो 100 है इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 100 माइनस कितना है? 75। तो यहाँ से प्यारे साथियों 16x माइनस 15x x बराबर किसके हो जाएगा? यहाँ पर घटाओगे तो 25 बचेगा। तो अगर x का मान प्यारे साथियों 25 है, हमसे दूसरी संख्या पूछी गई है, दूसरी संख्या का मतलब 5x, तो आप कह सकते हो प्यारे साथियों 5x कितना होगा? 25 यहाँ पर रख दोगे, 25 × 125 इसका आंसर होगा। ये बेसिक मेथड है यहाँ तक, ठीक है मेरे प्यारे महारथियों, मेरे प्यारे साथियों, यहाँ तक आपका बेसिक मेथड है, आपका 125 इसका आंसर आ जाए। किसी साथी को डाउट नहीं होना चाहिए, एक बार सवाल को फिर समझ लो। अभी ट्रिक बताएंगे आपको, सवाल का मतलब क्या है। एक संख्या देखो, हमने 4x मान ली, दूसरी 5x मान ली, कह रहे प्रत्येक संख्या से कितना घटाया गया? प्रत्येक संख्या से 25 घटाया गया, तो पहली संख्या से 25 घटाया, दूसरी से भी हमने 25 घटाया, जिसके बाद अनुपात कितना हो जाता है? 3:4 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई की, x एक तरफ, संख्या एक तरफ, x का मान आया 25, हमसे पूछी गई दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या यानी 5x है ना, तो 5x कितना होगा? 25 × 125, ठीक है। यहाँ तक सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। अब मेरे प्यारे साथियों सुनना मेरी बात ध्यान से, सवाल ये था दो संख्याओं में अनुपात है 3:4, ठीक है। कितना है भाई दो संख्याओं में अनुपात? कितना है? 4:5। प्रत्येक संख्या से हमने 25 घटाया तो अनुपात कितना रह गया? 3:4 रह गया। ये सवाल है, बात सबको समझ में आ रही होगी। अब देखो, डायरेक्ट सवाल कर सकते हो, मुंहजवानी सवाल कर सकते हो, बिना पेन के सवाल कर सकते हो, ध्यान से सुनिएगा। देखो पहली संख्या का जो अनुपात था वो 4 था, कितना हो गया? 3 बाद में,
ठीक है, 25 घटाने के बाद 3 हो गया। दूसरी संख्या का अनुपात 5 से कितना हो गया 4। यहां पर अगर ध्यान से देखोगे तो अनुपात 1:1 की कमी इधर आ रही है और यहां पर भी 1:1 की कमी आ रही है। यहां तक बात सबको समझ में आ रही होगी, यानी कि 1 घटाया जा रहा है, इधर भी 4 में से 1 घटाया गया 3 मिल रहा है, इधर 5:1 में से 1:1 घटाया गया 4 मिल रहा है, और सवाल में कह रहा है 25 घटाया गया, यानी कि 1 रिप्रेजेंट करेगा किसको, 25 को। 1 की वैल्यू 25, हमसे पूछी है दूसरी संख्या, तो 5 कितना हो जाएगा, 25 × 125, और ये आपका आंसर हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बताओ सवाल सबको अच्छे समझ में आ गया, सवाल सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अभी और आगे बढ़ेंगे, आपको और बेहतर तरीके समझ में। क्वेश्चन नंबर 56 देखो, क्वेश्चन नंबर 56 देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 है क्या, दो संख्याओं में 5:7 का अनुपात है, दो संख्याओं में 5:7 का अनुपात है, यदि प्रत्येक संख्या में 18 जोड़ा जाता है तो अनुपात 7:9 हो जाता है। मतलब क्या, प्रत्येक संख्या में 18 जोड़ा जा रहा है, जबकि अनुपात में देखो 5 से 7 हो गया तो 2 जोड़ा गया, ठीक है, इधर दूसरी संख्या में भी 2 जोड़ा गया, बात समझ में आ रही। सवाल में दे रखा है 18 जोड़ा जाता है, यानी कि मेरे प्यारे महारथियों 2 रिप्रेजेंट करेगा 18 को, 1 कितना होगा 2, 9 × 18, 1 रिप्रेजेंट करेगा 9 को, और हमसे मेरे प्यारे साथियों छोटी संख्या पूछी गई है, तो छोटी संख्या यानी 5 का मान निकालना है। 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 9 को, 5 रिप्रेजेंट करेगा 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45, और ये आंसर हो गया। बताओ सवाल सबको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है ही नहीं, बेहद आसान सवाल है। दो संख्याओं में अनुपात 5:7 है, इधर 2 वृद्धि हो रही, इधर भी 2 वृद्धि हो रही, सवाल में 18 जोड़ा जा रहा है, यानी 2 रिप्रेजेंट करेगा 18 को, 1 हो जाएगा 9, हमसे पूछा है छोटी संख्या, तो 5 = 9 × 5 = 45, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 57 पर, 57 भी देखो इसी तरह का सवाल है, 57 भी इसी तरह का सवाल है, बेहद आसान सवाल। क्वेश्चन नंबर 57 बेहद आसान सवाल प्यारे साथियों, 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है, प्रत्येक कक्षा में 20 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाते हैं, तो ये अनुपात 4:5:7 हो जाता है, तो प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। सवाल को फिर समझिएगा, बहुत आसान सवाल है प्यारे साथियों, 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या में अनुपात 2:3:5 है, ठीक है, प्रत्येक कक्षा में 20 विद्यार्थी और बढ़ा दिए जाते हैं, जिससे कक्षा में विद्यार्थियों का अनुपात जो है, विद्यार्थियों की संख्या में अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तो बेहद आसान तरीके से इस सवाल को प्यारे साथियों कर सकते हैं हम लोग, कैसे करके, आप देख सकते हो 2 से 4 हुआ, यानी 2:2 की वृद्धि हुई है, दूसरी कक्षा में भी 2:2 बढ़ा है, तीसरी कक्षा में भी 2:2 की वृद्धि हुई है, और ये सवाल में दे रखा है कितना, कह रहा है सवाल में कितना है, सवाल में दे रखा है 20, यानी प्रत्येक कक्षा में 20-20 विद्यार्थी बढ़े हैं, तो यहाँ पर अनुपात में 2-2 बढ़ा है, 2 रिप्रेजेंट करेगा 20 को, 1 रिप्रेजेंट करेगा 2 × 20 यानी 10 को रिप्रेजेंट करेगा, और हमसे पूछा गया है, कह रहे हैं प्रारंभ में कुल विद्यार्थी कितने थे, तो 5, 3, 8 और 2, 10, 1 का मान अगर 10 है तो 10 का मान कितना होगा प्यारे साथियों, 100 हो जाएगा, 10 का मान कितना हो जाएगा 100, और यही हमारे सवाल का आंसर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारे साथ ये 57 था, ये क्वेश्चन नंबर 57 था, बेहद आसान तरीके से आप हर एक सवाल को समझ पा रहे होंगे। बताओ सवाल सबको क्लियर अच्छे तरीके से, बिल्कुल अच्छा। क्वेश्चन नंबर 58 देखो, अब देखो क्वेश्चन नंबर 58 बहुत ही शानदार और बेहतरीन सवाल है, ये पंजाब टेट 2011 में पूछा हुआ सवाल है। सवाल क्या है, दो संख्याओं में अनुपात 3:5 है, ठीक है, प्रत्येक संख्या से 9 घटाया जाता है जिससे अनुपात 12:23 हो जाता है, 12:23 हो जाता है, छोटी संख्या आपसे पूछी गई है। बेहद आसान सवाल और एक बेहतरीन सवाल है प्यारे साथियों, आप अच्छे से समझ पाएंगे। मेरे प्यारे साथियों
सवाल फिर समझिएगा, दो संख्याओं में अनुपात 3:5 है, प्रत्येक संख्या से 9 घटाया जाता है तो अनुपात कितना हो जाता है, 12:23 हो जाता है। तो छोटी संख्या पूछी गई है और ये आपका पंजाब टेट 2011 में पूछा हुआ सवाल 58 सवाल है, ठीक है। तो प्यारे साथियों, इस सवाल को करा कैसे जाएगा, सवाल में बोला गया है कि प्रत्येक संख्या से 9 घटाया है। अब यहाँ पर मेरे प्यारे भारतीयों, आप देख पा रहे होंगे जो पहली संख्या उसका अनुपात 3 था, बाद में 12 हो गया, दूसरी संख्या में अनुपात 5 था, 23 हो गया। एक बात बताओ, अगर हमने संख्या से घटाया है कुछ, अगर संख्याओं से कुछ घटाया है तो अनुपात भी घटना चाहिए, जबकि इस सवाल में अनुपात बढ़ रहा है, 3 से 12 हो गया, इसमें भी बड़ा है, दूसरी संख्या का भी अनुपात में वृद्धि हुई है। तो मेरे प्यारे महारथियों, जब भी ऐसी कंडीशन बने तो करना क्या होता है, ऊपर वाले अनुपात का डिफरेंस निकालो, 2 आ जाएगा, 3 और 5 में डिफरेंस 2, नीचे वाले जो अनुपात हैं उनका डिफरेंस निकालो, कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है। जितना डिफरेंस आता है मेरे प्यारे साथियों, जितना डिफरेंस आता है उसकी कर लेते हैं, नीचे वाले डिफरेंस की ऊपर गुणा करेंगे और जो ऊपर डिफरेंस आया है उसकी गुणा करेंगे नीचे, इस तरह से उसकी गुणा करेंगे नीचे। तो मेरे प्यारे साथियों, अब आसानी से आप कर पाओगे, 11 कितना हो गया, 33 अनुपात, 11 कितना, 55, यहाँ तक हर एक बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, 12 कितना, 24, इधर 23 कितना, 46। अब आप आसानी से देख पाओगे, यहाँ पर देखो जो पहली संख्या में अनुपात है 33 है, 24 हो गया, यानी कितना घटाया गया, 9 अनुपात घटाया गया। इधर भी देखो 55 से 46 हो गया, यहाँ पर भी 9 अनुपात घटाया गया, और सवाल में दे रखा है कि 9 ही घटाया जा रहा है, यानी कि मेरे प्यारे साथियों जो 9 है वो 9 को ही रिप्रेजेंट करेगा, ये अनुपात है, ये वास्तव में 9 घटाया जा रहा है, तो 9 जो रेशियो है वो 9 को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि 9 सवाल में दे रखा है। तो 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1 को, छोटी संख्या पूछी गई है तो मेरे प्यारे भारतीय छोटा अनुपात हमारा कितना है, 33, तो 33 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 33 को ही रिप्रेजेंट करेगा, और यही प्यारे महारथियों इस सवाल का आंसर होगा। बताओ सवाल सबको समझ में आया, सवाल सबको समझ में अच्छे से आया होगा, किसी भी साथी को यहाँ तक कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। एक बार सवाल को फिर समझ लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, बेहतरीन सवाल है, बहुत ही सुंदर सवाल है, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। 2 संख्याओं में अनुपात 3:5 है, प्रत्येक संख्या से 9 घटाने पर संख्याओं में अनुपात 12:23 हो जाता है। जैसा कि मैंने प्यारे साथियों आपसे एक बात बोली कि अगर हम संख्या से कुछ घटा रहे हैं तो अनुपात में कमी होनी चाहिए, जबकि अनुपात यहाँ 3 से 12 हुआ, अनुपात बढ़ रहा है पहली संख्या में, दूसरी संख्या में 5 से 23 हो रहा है, तो दूसरी संख्या में भी अनुपात में वृद्धि हो रही है। यानी कंडीशन अगर सवाल के हिसाब से मैच ना हो तो बेहद आसान तरीका है, नीचे के जो रेशियो हैं इनमें डिफरेंस, ऊपर वाले रेशियो उनका डिफरेंस, तो आपस में मल्टीप्लाई कर देनी है। जैसे ऊपर का जो रेशियो आया उसकी नीचे गुणा करिए, 2 से यहाँ भी 2 से यहाँ भी, नीचे का डिफरेंस आया 11, इन दोनों डिफरेंस कितना आया 11, तो 11 की ऊपर गुणा करिए, 11 3 33, 11 5 55, अच्छा 12 कितना 24, 23 2 46, अब 23 से 24 अब कम हो रहा है, तो 9 अनुपात कम हो रहा है, दूसरी संख्या में भी 9 अनुपात कम हो रहा है, तो दे कितना रखा है, 9 घटाया जा रहा है, तो 9 बराबर 9, 1 बराबर 1, छोटी संख्या का अनुपात कितना है 33, कितना हो 33 बराबर 33, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए मेरे प्यारे महारथियों, अब आगे बढ़ेंगे कुछ और बेहतरीन सवालों की तरफ चलेंगे प्यारे महारथियों। क्वेश्चन नंबर 59 पे आ जाओ, प्यारे महारथियों फटाफट से, जिन्होंने लाइक नहीं किया एक बार लाइक कर दो अगर पढ़ने में मजा आ रहा है तो। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 59 है क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 59 क्या है, ए और बी की आय में अनुपात, दो व्यक्ति हैं ए और बी, इनकी आय में अनुपात 3:4 है, जबकि इनके खर्च में अनुपात 2:3 है, हर एक की बचत, ठीक है ना, सेविंग कितनी है 200 रुपये की, सेविंग कितनी है, हर एक की बचत कितनी है भाई, सेविंग है 200 रुपये की, तो ए और बी की आय पूछी गई है। बेहद आसान सवाल मेरे प्यारे साथियों, कह रहे हैं ए और बी की आय में अनुपात 3:4 है और इनके खर्च में अनुपात 2:3 है,
और ये कितना कितना बचा रहे हैं दोनों, 200 रुपये की बचत करते हैं। तो बेहद आसान तरीके से कर पाओगे। एक बात बताओ प्यारे भारतीयों, बचत कैसे निकाली जाती है? बचत निकालने का तरीका ये है कि आय में से खर्च घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगी, बचत मिलती है। यानी कि अगर आय का अनुपात देखें, किसकी, एक ही आय का अनुपात 3 है और उसकी खर्च का अनुपात 2 है, तो यानी कि बचाता कितना होगा, ये 1 बचाता होगा। बेहद आसान सी बात, ठीक, खर्च करता है 3, सॉरी कमाता है 3, खर्च करता है 2, तो कितना बचाता होगा, 1। इसी तरह से बी की बात करो तो बी अगर 4 कमाता होगा, 3 खर्च करता होगा, तो 1 बचाता होगा। और कह रहे हैं दोनों जो है 200 रुपये की बचत करते हैं, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, और ये 200 रुपये की बचत करते हैं। यानी 1 रिप्रेजेंट किसको करेगा, 200 को, 1 रिप्रेजेंट करेगा 200 को। मेरे प्यारे भारतीयों, हमसे पूछा गया है आय, तो 1 की वैल्यू अगर 200 है, 3 की वैल्यू कितनी होगी, 600 रुपये, तो 1 की आय 600 रुपये होगी। और 4 की वैल्यू कितनी होगी, 4 × 800, तो बी की आय कितनी होगी, 800 रुपये हो जाएगी, क्योंकि ये आय में अनुपात दे रखा है। तो एक एक का जो आय है वो 600 रुपये और बी की आय कितनी है, 800 रुपये। बताओ सवाल सबको समझ में आ गया होगा, सवाल सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल बेहद आसान सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल है प्यारे महारथियों। तो बिल्कुल अभी परेशान ना होइएगा मेरे प्यारे महारथियों, अभी इस तरह के और भी सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 59 था, अब हम क्वेश्चन नंबर 60 पे चल रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 60 जल्दी से आप सभी साथी एक बार इसको ट्राई कर लो, क्वेश्चन नंबर 60। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 60 जल्दी से ट्राई करो सभी साथी, क्वेश्चन नंबर 60 पे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 60 है क्या प्यारे भारतीयों, ए और बी की आय का अनुपात, ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है और इनके खर्च का अनुपात 3:5 है और इनकी जो बचत है, प्रत्येक की बचत 600 रुपये है। तो आपसे पूछा गया ए की आय इस बार पूछी जा रही है, ए की आय आपसे इस बार पूछी जा रही है। सवाल को समझने का प्रयास करिएगा मेरे प्यारे साथी, क्वेश्चन नंबर 60 आपको समझ में आ रहा होगा, ए और बी की आय में अनुपात 5:7 है, खर्च में अनुपात 3:5 है और बचत कितनी कितनी है, 600 रुपये की बचत करते हैं। तो बेहद आसान सी बात, 5 कमाता है, 5:3 कमाता है, 3:3 खर्च करता है, तो 2:1 ही बचाता होगा। इसी तरह से बी की बात करें तो 7:1 अगर कमाता है, 5:5 खर्च करता है, तो 2:1 बचाता होगा। यानी कि 2 रिप्रेजेंट करेगा 600, क्योंकि हमारे पास इनकी बचत दे रखी है 600 रुपये, तो 2 = 600, 1 कितना हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे 300 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप सभी महारथियों को सवाल समझ में आया होगा। अब हमसे पूछा गया है ए की आय, तो ए का अनुपात कितना है, आय का 5, तो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 300 को, 5 रिप्रेजेंट करेगा 300 × 5, यानी कि 1500 रुपये, यानी 1500 रुपये एक कमाता होगा। बेहद आसान सी बात आपको समझ में अच्छे से आई होगी, ठीक है। बताओ सवाल सबको समझ में आ रहा है, सवाल सभी महारथियों के लिए अच्छे से समझ में आ रहा है, बिल्कुल बेहद आसान तरीके से आप सभी महारथियों को हर एक सवाल समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 बेहतरीन सवाल है, मजा आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 61 करने के बाद। अब क्वेश्चन नंबर 61 प्यारे साथियों है क्या, ध्यान से सवाल को समझना है प्यारे महारथियों। 61 सवाल यह है, ए और बी की आय में अनुपात, ए और बी की आय, आय का मतलब इनकम, इनकम में रेशियो दे रखा है कितना, 3:2, कितना है 3:2, और इनकी खर्च में रेशियो यानी एक्सपेंडिचर, ठीक है, इनकम कितना है 3:2 में है, एक्सपेंडिचर किस रेशियो में, खर्च 4:3 में है, और ये बचाते कितना कितना, इनकी सेविंग दे रखी है सवाल में, कह रहे हैं ए बचाता है 2000 रुपये और बी बचाता है 1000 रुपये, बी बचाता है 1000 रुपये, तो कह रहे हैं बी की आय पूछी गई है, ठीक है। सवाल एक बार फिर समझिएगा मेरे प्यारे साथियों, सवाल में क्या है, ए और बी की आय में अनुपात 3:2 है, खर्च में अनुपात 4:3 है और इनकी सेविंग 2000 रुपये और 1000 रुपये है, तो आपसे बी की आय पूछी गई है। तो मेरे प्यारे साथियों देखिए, यहाँ पर ए की सेविंग 2000 रुपये, बी की सेविंग 1000 रुपये है,
तो देखिए इस तरह के सवाल कैसे करने हैं, बेहद आसान तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं। और दूसरी बात यह है प्यारे साथियों, जैसे अगर बी की बात करें तो बी क्या है, 2:1 में कमा रहा है, 3:1 में खर्च कर रहा है। क्या ऐसा हो सकता है या ऐसा होता है कि भाई कमाया कम हो, ज़्यादा खर्च किया हो फिर भी बचा लिया हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो ऐसी कंडीशन बने, ध्यान रखिएगा स्पेशल ट्रिक इस सवाल के लिए, सुनना मेरी बात, क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ पर इस तरह से, 3 3 कितना आएगा 9 और 4 2 कितना आएगा 8, तो 9 - 8 1 आ जाएगा यहाँ पर। सुनिएगा मेरी बात फिर से ध्यान से प्यारे साथियों, 3 3 9 4 2 8 9 और 8 में डिफरेंस कितने का 1 का, तो मतलब पहले जो ऊपर के रेशियोज थे, अनुपात थे, उनकी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंतर बना लिया। एक बात फिर समझिएगा प्यारे साथियों, 3 3 9 आएगा इधर और 3 3 9 4 2 8, तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जा रहा है 1। अब नीचे के दो लीजिए, मतलब यहाँ पर 4, ये 4 से गुणा होगी 1000 की 4000 और इधर 2000 की गुणा होगी 3 से 2 3 6000 और इन दोनों का डिफरेंस कितने का 2000 का, यानी उधर डिफरेंस 1 का इधर डिफरेंस 2000 का, एक रिप्रेजेंट करेगा 2000 को, एक रिप्रेजेंट करेगा 2000 को। तो प्यारे साथियों बी की आय पूछी है तो 2 = कितना हो जाएगा 4000, 2 कितना होगा 4000 और यही हमारे सवाल का आंसर होगा, यही हमारे सवाल का आंसर होगा। सवाल सभी साथियों को अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है, 4000 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर ऐसा सवाल बने मेरे प्यारे साथियों तो बेहद आसान तरीका है, ठीक है, अगर इनकी बचत अलग अलग हो, बेहद आसान तरीके से समझिएगा, जो हमने 2 सवाल पिछले किए हैं उनमें बचत इनकी समान थी, इसमें बचत अलग अलग है। जब भी सेविंग अलग अलग होती है तो इसी तरह से करेंगे, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई, इस तरह उनका डिफरेंस लिखेंगे, नीचे के जो 2 हमारे पास 1 रेशियो और जो सेविंग है इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 से गुणा 1000 की 4000 बना, 3 की गुणा 2000 से 6000 बना, इनका डिफरेंस 2000, ऊपर डिफरेंस 1, तो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 2000 को। हमसे पूछा गया है बी की आय का अनुपात कितना है 2, तो 2 = 4000 इसका आंसर हो जाएगा। बात यहाँ तक सबको समझ में आई होगी, तो ये हम लोग प्यारे साथियों टाइप नंबर 4 डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, टाइप नंबर 4 हम डिस्कस कर रहे थे मेरे प्यारे महारथियों। अब हम चलेंगे टाइप नंबर 5 की तरफ, किस पे चलेंगे, टाइप नंबर 5 की तरफ जिसमें मेरे प्यारे साथियों सिक्कों वाले सवाल हम लोग को करने हैं, ठीक है, हमें सिक्कों वाले सवाल प्यारे साथियों इसमें करना है सॉल्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 की हम लोग बात करेंगे, ठीक है, एक थैली में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में हैं और कुल मान 30 रुपये है, तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या आपसे पूछी गई है। मेरे प्यारे साथियों बेहद आसान तरीके से इन सवालों को करेंगे, इसमें भी हमें एक्स वाई जेड कुछ भी मानने की आवश्यकता नहीं है। प्यारे साथियों सवाल को एक बार फिर समझ लीजिए, एक थैला है, ठीक है, एक आपके पास क्या है, एक थैली है, उसमें कुछ 25 पैसे के सिक्के हैं, कुछ 10 पैसे के सिक्के हैं, कुछ 5 पैसे के सिक्के हैं और इनकी जो संख्या है सिक्कों की संख्या में अनुपात आपको दे रखा है कितना, 1:2:3 और ये कह रहे हैं बैग में या थैली में कुल मिलाकर 30 रुपये हैं, तो 5 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो मेरे प्यारे साथियों सवाल को करना कैसे करके, देखिए हमने आपको एक बात बताई है, बहुत प्यारी सी बात, जिसका मान दे रखा होता है उसी का अनुपात हम लोग लेते हैं। अब आपको सवाल में कुल अमाउंट या कुल राशि दे रखी है 30 रुपये, यानी कि कैसे भी करके कुल राशि में अनुपात निकालना पड़ेगा। तो अनुपात, कुल अनुपात कैसे निकालोगे राशि में, तरीका वही है कि भाई पहले हमें ये मालूम पड़ेगा कि 25 पैसे का क्या अनुपात है, 10 पैसे की राशि का क्या अनुपात है, 5 पैसे की राशि का क्या अनुपात है, तीनों अनुपात को ऐड करेंगे हमें राशि का कुल अनुपात मिल जाएगा, 30 के इक्वल कर देंगे, सवाल हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों तो राशि में कैसे निकालोगे, बेहद आसान सी बात, राशि में अनुपात कैसे निकालोगे, बेहद आसान तरीके से बना लोगे मेरे प्यारे महारथियों। जैसे आपसे बोला जाए कि भाई 25 पैसे के संख्या दे रखी है ना, ये संख्या अनुपात दे रखा है, तो 25 पैसे का मान लीजिए 1 सिक्का है, तो यानी कि 25 पैसे का राशि हो गई, 25 पैसे वाले का, 25 पैसे की राशि है उसका 1 सिक्का है, तो 25 पैसे ही राशि होगी।
जबकि इधर हम बात करेंगे 10 पैसे के 2 सिक्के हैं तो 20 पैसे राशि होगी, ठीक है। अगर हम 5 पैसे के 3 सिक्के देखेंगे तो 15 पैसे राशि होगी। तो कुल राशि कितनी हो जाएगी प्यारे महारथियों? 25 और 15, 40 और 20 कितना? 60। उधर कितना होगा? 30 रुपये। 30 रुपये को चेंज करो किसमें? पैसे में, क्योंकि ये पैसे में है तो हमने 30 रुपये को पैसे में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करनी पड़ेगी। तो मेरे प्यारे महारथियों अब आसानी से कर पाओगे, 0 से 0 कैंसिल, 6 एकम 6 और 6 पंजे 30, यानी 1 की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी है? 50। हमसे पूछा है 5 पैसे के सिक्कों की संख्या, यानी 3 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 50 × 3। आप आसानी से कह सकते हो 150 सिक्के होंगे, 150 सिक्के होंगे। आपको सवाल बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। बताओ सवाल सबको समझ में अच्छे से आया? किसी को डाउट तो नहीं यहाँ तक? एक और सवाल देखो, आपको और अच्छे समझ में आएगा। एक और सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 63 देखो आपको और अच्छे समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 63 मेरे प्यारे महारथियों है क्या? एक थैली में 1 रुपये, 50 पैसे और 10 पैसे। क्वेश्चन नंबर 63, एक थैली में 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे या 10 पैसे? 10 पैसे के सिक्के 3:4:10 के रेशियो में है या 10 के अनुपात में है। यदि इनका कुल मूल 102 रुपया है तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या आपसे पूछी जा रही है। इनका कुल मूल दे रखा है 102 रुपये, तो आपसे 10 पैसे की सिक्कों की संख्या पूछी जा रही है। एक बार सवाल को फिर समझिएगा प्यारे साथियों। ठीक है, सवाल को समझिएगा। एक थैली है मेरे प्यारे साथियों, सवाल को ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है क्या? एक थैली में 1 रुपये, 50 पैसे और 10 पैसे कुछ सिक्के हैं। उनकी संख्या में अनुपात 3:4:10 है। यदि थैली में कुल मिलाकर 102 रुपये हैं तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या आपसे पूछी गई है। तो मेरे प्यारे साथियों सेम प्रोसेस, हमें राशि में अनुपात निकालना पड़ेगा। तो राशि में अनुपात कैसे निकाल पाओगे? अगर 1 रुपये, देखो ये पैसे है तो ये पैसे है, इसको भी पैसे में चेंज कर लो तो यहाँ पे कितना लिख लोगे? 100 पैसे, बेहद आसान सी बात। अगर यहाँ पे सिक्के 3 हैं और 100 पैसे के सिक्के हैं, यानी कि 300 पैसे होगा या नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा, बेहद आसान सी बात। 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो 200 पैसे राशि हो जाएगी। अगर यहाँ पे 10 पैसे के 10 सिक्के हैं तो 100 पैसे राशि होगी या नहीं होगी? यहाँ तक बात सबको समझ में आ रही है? बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जानी चाहिए। 100 पैसे के अगर 3 सिक्के हैं तो प्यारे साथियों 300 पैसे होगा। अगर 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो 200 पैसे होना चाहिए। 10 पैसे के 10 सिक्के हैं तो 100 पैसे। अच्छा कुल राशि कितनी हो, कितने पैसे हो जाएगी? 300, 200, 500 और 600। 600 रिप्रेजेंट करेगा 102 रुपये को। लेकिन मेरे प्यारे महारथियों, क्योंकि ये पैसे में है तो ये भी तो पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नहीं बात समझ में आ रही? क्योंकि ये अनुपात जो है पैसे में निकल के आ रहा, कहीं ना कहीं ये पैसे में है इधर वाला पार्ट, तो इधर वाला पार्ट भी पैसे में होगा। 102 रुपये है, उसको भी पैसे में चेंज करेंगे 100 से गुणा करके। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। 6 एकम 6, इधर 6 एकम 6 = 42, यानी 1 रिप्रेजेंट कर रहा 17 को। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, यानी 10 का मान पूछा गया, किसका? 10 इकाई का मान निकालना है। तो 10 बराबर कितना होगा? 170। तो 10 पैसे के सिक्के कितने होंगे? 170। अगर 50 पैसे के सिक्के पूछते तो 4 का मान निकालते, 1 का मान 10, 4 का मान 17 × 4 = 68 होता। अगर 1 रुपये के सिक्के पूछते तो 3 का मान निकालते, 17 × 3 = 51 इसका आंसर होगा। बताओ सवाल सभी साथियों को अच्छे से समझ में यहाँ तक आ रहा होगा? किसी भी साथी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, बेहतरीन सवाल है। बिल्कुल आपको हर एक सवाल समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। चलिए अब हम अंतिम प्रहार यानी अंतिम सवाल पर पहुँच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 64 पर आ चुके हैं हम लोग फटाफट से। और 64 जो सवाल है उसमें थोड़ा सा चेंज है, हालांकि है सिक्कों वाला सवाल, लेकिन इस सवाल में थोड़ा चेंज है। ध्यान से समझिएगा सवाल, ठीक है। अंतिम सवाल हमारे अनुपात समानुपात का अंतिम सवाल पर हम लोग पहुंच चुके हैं। बेहतरीन सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। एक बैग में 280 सिक्के हैं 1 रुपये, 50 पैसे और 20 पैसे के रूप में। 1 रुपये, 50 पैसे और
25 पैसे के रूप में, ठीक है, और उनका मान 8:4:3 के अनुपात में है। तो आपसे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी गई है। सवाल को मेरे प्यारे साथियों बेहतरीन तरीके समझते हैं हम लोग, सवाल का मतलब क्या है। देखो, जो पिछले दो सवाल किए थे उनमें सिक्कों की संख्या में अनुपात था, इस बार इनके मान में अनुपात है, यानी कि राशि में अनुपात दे रखा है। पिछले सवाल में हमें कुल राशि दे रखी थी कि थैले में राशि कुल मिला के है कितनी, इस बार कह रहे हैं 280 सिक्के हैं, यानी कि ये बोल रहे हैं कि हमारे पास कुल सिक्के कितने हैं, 280 हैं। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आपसे पूछी गई है। सवाल को फिर समझिएगा, एक बैग है जिसमें 280 सिक्के हैं, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में है, जिनका मान दे रखा है, मान का मतलब है जिनकी राशि में अनुपात दे रखा है 8:4:3। तो आपसे पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है कितनी। मेरे प्यारे साथियों बेहद आसान सी बात, यहाँ पर आपको याद होगा अभी हमने जो पिछले दो सवाल किए थे उनमें यहाँ पर सिक्कों की संख्या में अनुपात दोनों सवालों में दे रखा था। तो पहले हमें सिक्कों की संख्या में अनुपात निकालना पड़ेगा। कारण यह है मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको एक बहुत ही सुंदर सी बात बताई है कि यदि हमें जिस भी पद का मान दे रखा होगा, जो भी वैल्यू दे रखी होती है, उसी का अनुपात बनाना पड़ता है। जैसे कि 280 सिक्के हैं कुल मिलाकर, यानी कि हमें कुल सिक्कों की संख्या में अनुपात निकालना पड़ेगा। तो अनुपात निकालने के लिए सबसे पहले इनका अलग अलग अनुपात निकालना पड़ेगा, फिर टोटल ऐड करेंगे, 280 के बराबर कर देंगे। तो मेरे प्यारे साथियों कैसे करेंगे, एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि 1 रुपये की आपके पास 8 राशि है, यानी 1 रुपये कुल मिलाकर 8 रुपये हैं आपके, 1 रुपये के जो सिक्के हैं आपके पास कुल मिलाकर जो राशि है उसकी कितनी है, 8 रुपये है। 1 रुपये वाली अगर 8 रुपये है, 1 रुपये वाली राशि अगर 8 रुपये है मेरे प्यारे साथियों, यानी कि 8 सिक्के होंगे, क्योंकि अगर 1 रुपये का 1 सिक्का तो 8 रुपये में 8 सिक्के होंगे नहीं होंगे, 8 राशि है तो 8 सिक्के। ऐसे मेरे प्यारे साथियों 50 पैसे की राशि कितनी है, 4। अगर 50 पैसे की राशि 4 है तो आपको पता है कि 1 रुपये में 2 सिक्के, तो 4 रुपये में कितने, 8 सिक्के होंगे या नहीं होंगे, बेहद आसान सी बात समझ में आ जानी चाहिए। 50 पैसे की जो राशि है वो कितनी है, 4, यानी 8 सिक्के होंगे 50 पैसे वाले, है ना मज़ेदार बात, ठीक है। अब मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर 25 पैसे की 3 रुपये राशि है, अच्छा 1 रुपये में 6 सिक्के होने चाहिए 25 पैसे के, नहीं तो 3 में कितने होंगे, 3 रुपये में आपके 18 सिक्के होंगे, सॉरी 25 पैसे में क्या हो रहा है, 25 पैसे में अगर हम बात करेंगे 25 पैसे के 1 रुपये में 4 सिक्के होंगे, अगर 1 रुपये में 4 सिक्के होंगे 3 रुपये कब बनेगा, जब हमारे पास 12 सिक्के होंगे, बेहद आसान सी बात समझ में सबको आ रही है। मेरे प्यारे साथियों मेरे प्यारे महारथियों 50 पैसे की हम बात करें, हमारे पास अगर 50 पैसे के सिक्के आपके पास कुल मिला के इनकी राशि 4 रुपये है, यानी कि आपके पास 8 सिक्के होने चाहिए। इसी तरह से 25 पैसे वाली जो राशि है आपके पास 3 रुपये की है, तो यानी कि 12 सिक्के होंगे, क्यों 12 सिक्के होंगे, क्योंकि 1 रुपये में 25 पैसे का 1, तो 25 पैसे राशि, 2 सिक्के 50 पैसे, 3 सिक्के 75 पैसे और 4 सिक्के होंगे तो 1 रुपये, तो यानी 1 रुपये में 4 सिक्के होने चाहिए 25 पैसे के, है कितना 3 रुपये मान के चल रहे हैं, तो यानी 12 सिक्के हो गए नहीं हो गए, बेहद आसान सी बात। अब सवालों कर लो प्यारे साथियों, 8:8:12 ये निकल के आ रहा है, टोटल कर लो किसके बराबर होगा, 8 8, सिंप्लीफाई भी उसे कर सकते हो चाहो तो वरना रहने दो, 12 8 20 8 कितना होगा 28, बराबर किसके होगा 280 के, तो 1 बराबर 28 से काटो, 28 से कम 28, 1 बराबर कितना आएगा 10। हमसे पूछा गया 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या मेरे प्यारे महारथियों, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या में अनुपात कितना है 8, तो 8 बराबर कितना होगा 80, 8 बराबर कितना होगा 80, तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो रहा है, सी, सी पे मोहर लगा दो, ऑप्शन नंबर सी पर मोहर लगा दो मेरे प्यारे महारथियों, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पर मोहर लगा दो मेरे प्यारे महारथियों। सवाल आपको समझ में आया होगा। तो ये हमारा यहाँ पर टॉपिक समाप्त हो रहा है, अनुपात समानुपात बेहतर तरीके से हमने किया है, 64 क्वेश्चन हम लोग किए हैं, इसमें PDF फाइल आज या कल में आपको टेलीग्राम अशोका द एग्जाम गुरु, टेलीग्राम अशोका द एग्जाम ग्रुप पर दे दी जाएगी, वहाँ से आप PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हो। और आपको पता है कि हर एक टाइप के सवाल में जो भी वीडियो, जितने भी आपको वीडियोस में कंप्लीट कराया गया है, जितने भी लेक्चर्स में कंप्लीट कराया गया है, उन सभी का उस PDF में लिंक भी हम लोग डाल देते हैं, जिससे आप
पीडीएफ से सीधे जो भी सवाल का आपको सोल्यूशन देखना हो उस सवाल के लिंक पर क्लिक कीजिए और सीधे आप वीडियो पे पहुंच जाएंगे। तो ये एक नई हमारी योजना है जिससे आप सभी साथियों के लिए पढ़ने में और भी अधिक मज़ा आए, अच्छे से आप डाउट अपने क्लियर कर पाएँ। किसी भी तरह का डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट करके बताएंगे। सभी साथियों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।